हाय दोस्तों, मैंने बताया था कि किरण का फुल सॉल्यूशन कराऊंगा, किरण की बुक का, और उसमें एक पार्ट करा दिया था। सेकंड पार्ट देखते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस, आई थिंक 7 क्वेश्चन करा दिए थे, और 8वां देखते हैं कि एरर क्या है। देखो, द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्लैश द डिसीजन टेकन बाई द स्लैश फ्रेंच मिनिस्ट्री वॉज नॉट फोरसीन बाई द ब्यूरोक्रेट्स। कहने का मतलब ये, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस थे फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, उन्होंने चेक नहीं किया था पहले से। तो देखो, कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सारे हैं, यानी कि मेरे पास जो सब्जेक्ट है वो कैसे है, प्लूरल है, तो वॉव कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो ऑफकोर्स वॉज ना होकर के यहाँ पे क्या आएगा, वार आएगा। तो यहाँ पे स्लैश, थर्ड स्लैश में मिस्टेक है, ठीक है, एरर पकड़ में आ गया, बहुत आसान है। और ऐसे ही CGL में, CHSL में पूछे जाते हैं बहुत ही। 9th नंबर देखते हैं क्या कहता है। I never considered him to be a person who would slash go back on. Go back on का मतलब होता है कि अपने वादे को तोड़ना, ठीक है, his promise, and then do not even apologize slash no error. तो यहाँ पे क्या है, अगर हम देखें ये यहाँ का स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है, apologize, ये go back on his promise, and ये लिखा हुआ do not, ठीक है, तो यहाँ पे do not की जरूरत नहीं है, promise and not even apologize, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे to भी लिखा हुआ है, इसलिए इसका यूज नहीं होगा यहाँ पे do not का। तो एरर हमारे इसमें हो गया, थर्ड स्लैश में बहुत इजीली पकड़ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 10th नंबर, having finished at school, मतलब स्कूल फिनिश होने के बाद या स्कूल की पढ़ाई करने के बाद, रघु थॉट स्लैश ऑफ गोइंग टू बॉम्बे, बॉम्बे जाने की सोची उसने, इन सर्च सम जॉब। एक फ्रेज होती है सर्च ऑफ, ठीक है, पूरी फ्रेज होती है सर्च ऑफ, सर्च कुछ नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें भी थर्ड स्लैश में एरर है, तो सर्च ऑफ आएगा यहाँ पे, ठीक है, बहुत आसानी से। और ये पेपर में यही कन्फ्यूजन रहता है कि ऑफ आएगा या नहीं आएगा, मतलब वहाँ पे दिमाग में आता ही नहीं है पेपर टाइम में। तो ईजिली अगर आपको फ्रेज मालूम है, मैं बहुत सारी फ्रेज कराऊंगा आपको, तो बहुत ईजिली आप पकड़ सकते हो वहाँ पे पेपर टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफ आएगा, यहाँ भी थर्ड स्लैश में एरर था। नेक्स्ट देखते हैं 11th नंबर, व्हेन शैल वी, क्या समझ आया यहाँ पे, व्हेन शैल वी पढ़ा तो इसका इंटरव्यू सेंटेंस है, शैल वी अराइव arrive to, अच्छा अराइव के साथ हमेशा एट प्रीपोजिशन आती है, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, अराइव टू आर डेस्टिनेशन, तो यहाँ पे इसमें भी थर्ड में निकला। तो कहने का मतलब है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सेंटेंस प्रीपोजिशन इनका ही रोल। तो यहाँ तक ठीक है, मैंने बताया कि प्रीपोजिशन वगैरह, सेंटेंस वगैरह, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, ठीक है, न्यूज़पेपर की रिपोर्ट पर, बी कैन कंक्लूड डैट स्लैश मैनी एक्सीडेंट्स कॉज्ड बाई रेकलेस ड्राइविंग। यहाँ पे देखो, कॉज्ड आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, एंड वाई आया, इसका मतलब सेंटेंस किसमें है, पैसिव में। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, मैनी एक्सीडेंट्स आर, ठीक है, सेंटेंस एकदम करेक्ट हो गया। तो मोस्टली देखा जाए, हम सेंटेंस को अगर धीरे से पढ़ें, थोड़ा प्यार से पढ़ें, समझ के पढ़ें, ठीक है, फिर इजली एरर तुम्हें पकड़ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो 30 नंबर देखते हैं, फीमेल्स स्लैश आर नॉट अपॉइंटेड स्लैश इन आर स्लैश कॉलेज स्लैश नो एरर। तो फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड, अपॉइंटेड के साथ इन भी आता है, टू भी आता है, तो यहां पे अप्रोप्रिएट है इन कॉलेज में, ठीक है, अपॉइंटेड नहीं होती है, तो ये एकदम करेक्ट है, इसमें नो एरर आएगा, ठीक है। 14 नंबर देखते हैं, द ऑफिसर स्लैश इज एंग्री ऑन द क्लर्क फॉर नॉट अटेंडिंग टू द वर्क स्लैश नो एरर। तो यहाँ पे देखें, एंग्री ऑन, एंग्री ऑन जब किसी डेट के लिए या किसी सजेशन के लिए होता है, तब तो वहाँ पे आता है ऑन। लेकिन जब भी किसी पर्सन से हो, एंग्री किसी के ऊपर नाराज होते हैं, किसी पर्सन से नाराज होते हैं, तो एंग्री विद आता है, क्या आता है, एंग्री भी। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन की एरर थी, तो एरर यहाँ पे सेकंड स्लॉट में है। नेक्स्ट देखते हैं, नो सूनर, एक बात ध्यान रखना, जब भी नो सूनर आए उसके साथ हमसे देन का यूज होता है, THEN देन स्लैश आई हैड स्पोकन स्लैश देन ही लेफ्ट स्लैश नो एरर।
ठीक है। लेकिन यहां देखो जब भी नो सुनर आता है, एक चीज और देखो वहां पे इन्वर्जन का होता है, कहने का मतलब है कि हैड पहले आएगा, क्या आएगा, हैड आई, इन नो सुनर हैड आई स्पोकन, अब ये सेंटेंस एकदम करेक्ट हो गया। तो नो सुनर के साथ इन्वर्जन केस आता है, तो आपको एरर यहां पे हमारे सेकंड स्लॉट में है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं 60 नंबर, कंप्यूटर एजुकेशन स्लैश इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस स्लैश लीव्स मच टू बी डिजायर नो एरर। देखो यहां पे कंप्यूटर एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस स्लैश लीव्स मच टू बी, तो यहां पे डिजायर ज्यादा चीज की डिजायर होती है। देखो यहां पे देखें आप, मच मोर एंड मोस्ट, ये पॉजिटिव डिग्री होती है और ये कंपैरेटिव डिग्री होती है और ये सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो यहाँ पे ज़्यादा डिजायर हो रही है कंप्यूटर एजुकेशन की यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, तो यहाँ पे जब ज़्यादा के लिए बोलते हैं तो यहाँ पे मोर का यूज करेंगे, ठीक है। तो मोर, ठीक है, मोर टू बी डिजायर, ऐसे यहाँ पे यूज होगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो एरर हमारे इसमें है थर्ड में, 70 नंबर देखते हैं, यू विल बी प्रोसिक्यूटेड स्लैश फॉर ब्रिंगिंग सीड स्लैश इनटू ऑस्ट्रेलिया। देखो यहाँ पे क्लियरली मालूम पड़ रहा है कि प्रोसिक्यूट किया गया था, केस चलाया गया था फॉर ब्रिंगिंग सीड, सीड लाने के लिए इनटू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमेशा इनका यूज होगा, इन ऑस्ट्रेलिया, मैंने बताया कि जब भी प्रोपोजिशन इनका यूज होता है बड़े शहर के लिए, कंट्री के लिए होता है, तो इनका यूज होगा। तो यहाँ पे थर्ड स्लैश में है एरर। 80 नंबर देते हैं, यू मस्ट इधर टेल मी स्लैश द होल स्टोरी और एटलीस्ट स्लैश द फर्स्ट हाफ ऑफ इट स्लैश नो एरर। तो देखो एक चीज मैं बता दूं, इधर के साथ और आता है, नीदर के साथ नोर आता है, कोरिलेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोरिलेटिव एडजेक्टिव। तो आपको एक चीज बता दूं, जब साइमल्टेनियसली दो काम होते हैं किसी भी चीज में, ठीक है, या कोई काम शो करता है, तो इधर और जब अब भी आएगा तो वो एक मेन वर्ब के बाद यूज किया जाता है, ठीक है, इसका प्लेसमेंट बहुत है। और दूसरा बात को बताऊँ और कैसे यूज होता है, चलो मैं बता देता हूँ, जैसे इधर और, तो इधर यहाँ पे आ जाएगा टेल के बाद, ठीक है। दूसरा है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे नाउन के बाद इधर यूज हुआ है, तो और जो यूज होगा वो भी नाउन के बाद होगा। अगर वर्ब के बाद यूज हुआ है इधर, तो इधर भी और जो वर्ब के बाद ही यूज होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना। तो फिलहाल तो हमें दो चीज़ याद रखनी है, एक तो ये वाला यूज बता दिया मैंने, दूसरा यूज बता दिया, अगर एक ही चीज़ यूज हुई है इधर और, तो वहाँ पर हम हमेशा वर्ब के बाद लिखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, तो क्या है 19 नंबर, आर न्यू नेबर्स स्लैश हैड बीन लिविंग इन अरिजोना स्लैश सिंस 10 इयर्स बिफोर मूविंग टू देयर प्रेजेंट हाउस स्लैश नो एरर। देखो मैंने आपको बताया है कि जब सेंटेंस सीखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट हो या परफेक्ट टेंस हो, कॉन्टिन्यूस भी हो, वहाँ पे सिंस और फॉर का यूज बताया है। देखो सिंस का यूज जब भी होता है ये फिक्स टाइम दे रखा होता है, डेट दे रखी हो लास्ट टाइम की और ईयर दे रखा हो, तो हम हमेशा सिंस का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन जब ड्यूरेशन दे रखा हो, टाइम पीरियड दे रखा हो, तो वहाँ पे फॉर का यूज करते हैं। तो यहाँ देखें आप, सिंस की जगह हम क्या लगा दें, फॉर, तो एकदम सेंटेंस एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंस ना करके फॉर आएगा चला, और हमारे पास एरर भी थर्ड स्लैश में है। नेक्स्ट देखते हैं, द पेशेंट स्लैश वॉज अकम्पनीड विद हिज फ्रेंड्स। आपको ध्यान होना चाहिए कि आपको अकम्पनीड के साथ हमेशा वाई आता है, ठीक है, अकम्पनीड वाई, तो कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन होती हैं वो हमेशा याद रखनी है, और उसी से एरर आते हैं मोस्टली, ठीक है। अगर वो कर लेंगे तो बहुत ईजिली हो जाएगा, मैं आपको बताते रहूँगा, नोट करते जाना। नेक्स्ट देखते हैं किस नंबर, आ सिटी ड्वेलर, सिटी में रहने वाले लोग, ड्वेलर का मतलब रहने वाले लोग, फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू पास अवे द टाइम इन अ विलेज। मतलब शहर में रहने वाले लोग जो होते हैं गाँव में, अपना टाइम पास नहीं कर पाते। तो यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब यूज हुई है पास अवे, पास अवे का मतलब होता है डाई, मरना, ठीक है। लेकिन हमें क्या है, टू पास द टाइम, अब करेक्ट हो जाएगा, तो एरर यहाँ पे आ गया, ठीक है। कुछ प्रीपोजिशन भी है और फ्रेजल वर्ब है जो यूज होती है मोस्टली, तो उन्हें याद रखना है ताकि एरर आप आसानी से कर पाए। नेक्स्ट देखें,
विजिटर्स स्लैश वर नॉट परमिटेड, विजिटर्स प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज हुई है, ठीक है। टू एंट्रिंग, देखो यहीं पे दिक्कत हो गई, द पार्क आफ्टर डार्क, मतलब विजिटर को रात होने के बाद एंट्री नहीं दी जाती है, परमिशन नहीं दी जाती है, तो यहाँ पे देखें टू के बाद हमेशा इन्फिनिटी यानी कि एंटर आएगा, क्या आएगा एंटर। नेक्स्ट नंबर देखें, एरो तो आपको पता ही चल गया सेकंड स्लॉट में है, सॉरी थर्ड स्लॉट में है। 23 देखते हैं, द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट, देखो यहाँ पे ही बस ध्यान से पढ़ना है, द फिफ्थ एंड फाइनल, देखो आर्टिकल एक के साथ यूज हुआ है, दूसरे साथ यूज नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये कैसे हो गया सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर हो गया, अगर सिंगुलर हो गया तो आगे देखते हैं, द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट ऑफ मैकबेथ कंटेन, ये वर्ब कैसी होगी प्लूरल है क्योंकि इसमें एस नहीं लगा होगा, अगर मैं एस लगा दूंगा सिंगुलर हो जाएगी, तो यहाँ भी मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब भी सिंगुलर है, सेंटेंस एकदम करेक्ट हो गया यहाँ तक, द स्लीप वॉकिंग सीप, ठीक है उसमें भी कोई एरर नहीं है, तो सेंटेंस में एरर कहाँ था, सेकंड स्लॉट में पकड़ में आ गया। वन ऑफ द टेररिस्ट स्लैश ऑफ द कश्मीर ब्लेज आर शॉट डेड, नो एरर, देखो वन ऑफ द मतलब जो कई सारे टेररिस्ट थे उसमें से एक ऑफ कश्मीर आर, अब बताइए सिंगुलर आएगा या प्लूरल, अगर यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी सिंगुलर आएगी, इज भी लगा सकते हैं और वॉच भी लगा सकते हैं, इट डजंट मैटर, ठीक है। 25th देखते हैं, 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, 10 किलोमीटर एक हमें फिक्स डिस्टेंस दे रखा है और उसमें बोला गया है, तो इसका मतलब ये सिंगुलर हो गया, इसलिए वर्ब भी कैसी आएगी सिंगुलर आएगी, यहाँ पे देखना है सिंगुलर सब्जेक्ट है सिंगुलर वर्ब आएगी, तो मोस्टली मैं यहाँ पे जो करा रहा हूँ आप देखें एरर कहाँ से आता है, या तो सेंटेंस होगा ठीक है, या प्रीपोजिशन होगी या फ्रेजल वर्ब होगी, तो ये मेजर तीन टॉपिक हैं, अगर तीनों टॉपिक पर आपकी अच्छी कमांड है तो डेफिनेटली किसी भी एरर को आसानी से कर सकते हो, किसी भी एरर को, ठीक है। कुछ में एडजेक्टिव एडवर्ब का यूज होता है लेकिन बहुत रेयर है, लेकिन आपको क्राइटेरिया क्या रखना है, पहले टेंस देखना है ठीक है, प्रीपोजिशन देखनी है और फ्रेजल वर्ब देखनी है, तीन चीज़ें सबसे पहले चेक करो सेंटेंस के अंदर, ठीक है सिंगुलर प्लूरल भी वो आप इसी में जाता है टेंस में, अगर ये तीन चीज़ें देख लोगे तो डेफिनेटली किसी भी एरर को आसानी से क्रैक कर सकते हो, आसानी से ढूंढ सकते हो कि भाई यहाँ पे एरर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, तो नेक्स्ट नंबर देखते हैं क्या है, 26, आई सॉ हिम स्लैश अ कपल ऑफ टाइम्स स्लैश सिंस मी स्लैश नो एरर, यहाँ पे देखें पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और सिंस का यूज किया है, सिंस और फॉर का यूज परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में ही हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे एरर है और यहाँ पे थर्ड स्लॉट में एरर है, ठीक है। 27 देखते हैं, टी स्लैश विच आई एम ड्रिंकिंग स्लैश इज हॉट स्लैश नो एरर, यहाँ देखें एक टी की बात की गई है, जो मैं पी रहा हूँ वो कैसी है गर्म है, यानी स्पेशल या स्पेसिफिक टी है, जब भी एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक टी बात की जाती है तो वहाँ पे डिटरमाइन का यूज़ किया जाता है, यानी कि डेफिनेट आर्टिकल यूज होता है, उसे कहते हैं हम द, तो मैं अगर द का यूज़ कर दूँ यहाँ पे, द टी स्लैश विच आई एम ड्रिंकिंग इज हॉट, सेंटेंस एकदम करेक्ट हो जाएगा, तो सेंटेंस में एरर का है फर्स्ट स्लॉट में, ठीक है आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, Although the police officer sympathized with poor, ठीक है पुलिस ऑफिसर पुअर के साथ कैसे था, सहानुभूति थी, he refused to take an action against the rich man, और उसने पुअर के साथ सिंपथी तो थी लेकिन पुअर जो रिच मैन होते हैं उनके साथ, द रिच मैन यहाँ देखो द रिच मैन की बात कर रहा है ग्रुप, ठीक है यानी कि अमीर लोगों का ग्रुप, यानी अमीर लोगों के ग्रुप के लिए वो अगेंस्ट नहीं जा रहा था ऑफिसर, लेकिन पुअर के साथ क्या थी सिंपैथी थी, तो यहाँ पे देखिए किसी एक पर्टिकुलर की बात नहीं हो रही है बल्कि कई सारे पुअर की बात हो रही है, ग्रुप ऑफ यानी कि जो गरीब लोग होते हैं ग्रुप की बात करते हैं, तो हमेशा आर्टिकल का यूज होता है द आर्टिकल, यानी कि द पुअर इसका मतलब होगा कि गरीब लोगों का समूह, द रिच इसका मतलब होगा कि अमीर लोगों का समूह, ग्रुप ऑफ रिच मैन ग्रुप ऑफ पुअर मैन, ठीक है अगर दा लगा देते हैं तो एरर तो समझ आ ही है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं 29, बी बट लुकिंग फॉरवर्ड टू, जब भी लुकिंग फॉरवर्ड टू आता है उसके बाद जीरंड आता है, जीरंड का मतलब वर्ब की
फोर्थ फॉर्म आईएनजी यानी कि हियरिंग हो जाएगा यहाँ पे। तो हमारे पे एरर क्या है, सेकंड स्लॉट में है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, द एक्ट्रेस स्लैश वॉज शॉक्ड। एक चीज देखें आप, शॉक्ड जब भी वर्ड आए शॉक्ड के साथ एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन होती है एट, तो यहाँ पे वाई का तो कोई यूज ही नहीं है, तो शॉक्ड एट किसी चीज पे सरप्राइज हो जाना, एक्सक्लेम्ड एट, ठीक है ना। तो किस कुछ होती हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन वो हमें याद होनी है, जैसे अकम्पनीड बाई, ये पहले थोड़े पहले यूज हुई थी, तो इस तरह की प्रीपोजिशन है अराइव्ड एट, वो हमेशा याद होना चाहिए। और पेपर में बहुत आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे वो इम्प्रूवमेंट में पूछे जाएँ या फिलअप में पूछा जाए या एरर में पूछा जाए, डेफिनेटली पूछा जाना है, ठीक है ना। तो हमें देखना है। नेक्स्ट देखते हैं, वन ऑफ द क्वेश्चन स्लैश ही आस्क्ड मी वॉज स्लैश हु डिड यू ट्रैवल विद, यानी आप किसके साथ, एक क्वेश्चन मेरे से पूछा गया कि आप किसके साथ ट्रैवल किया है। तो आई थिंक ये एकदम सेंटेंस, तो सेंटेंस में यहाँ देखिए वन ऑफ द क्वेश्चंस यानी कि वन ऑफ द होता है, उसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, ठीक है। ही आस्क्ड मी वॉज तो सिंगुलर सब्जेक्ट है और वॉज भी सिंगुलर है, यानी कि इतना तो करेक्ट है। हु डिड यू ट्रैवल विद ये भी करेक्ट है, आपने किसके साथ यात्रा की ये भी करेक्ट है। तो इसका मतलब किसी भी स्लॉट में एरर है ही नहीं, तो मैं इसमें क्या लगाऊंगा, नो एरर, ठीक है, एकदम सेंटेंस एकदम करेक्ट है। तो इस तरह के कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, और पेपर टाइम में नो एरर लगाना अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ पे हमें ऐसा लगता है यार इसमें गलती तो होगी डेफिनेटली कहीं ना कहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है, ठीक है ना। हाँ, ये जो है किरण की पूरी किताब मैं करा रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है, बस आपको याद रखना है कि सब चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले, ताकि मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो बना पाऊँ, ठीक है। और आपको लगता है कि मैं इसमें कोई मॉडिफाई करूँ तो आप मुझे डेफिनेटली बताएं। I know/a doctor/you are referring to/no error। यहाँ पे देखें, आई नो अ डॉक्टर, मैंने आपको जस्ट एक टी वाला सेंटेंस देखो, टी वाला है, मैंने बताया था कि टी क्या थी, वहाँ पे एक स्पेसिफिकेशन की बात करी गई थी, मैं जिस टी को पी रहा हूँ वो क्या है, गर्म है, तो वहाँ पे मैंने एक डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया टी के पहले। तो जब भी कोई चीज स्पेसिफिक की बात होती है वहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल का। तो यहाँ देखिए आप, आई नो मैं जानता हूँ आ डॉक्टर, डॉक्टर को जानता हूँ, यू आर रेफरिंग टू, आप जिस डॉक्टर को रेफर कर रहे हो मुझे, मैं उस डॉक्टर को जानता हूँ, तो डॉक्टर को जानता हूँ एक स्पेसिफिक वाली बात हो रही है, तो वहाँ पे किस आ का यूज नहीं, दा का यूज होगा, ठीक है ना। तो ये वाले एरर थे, और नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, 33 है, द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्स स्लैश इन द सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज स्लैश अट्रैक्ट मैनी स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखो सब्जेक्ट मेरा क्या है, सब्जेक्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्स, एक सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो प्लूरल वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल आती है। तो यहाँ पे अट्रैक्ट ही आपकी वर्ब है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इसे भी मुझे सिंगुलर ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो एरर कौन से स्लॉट में था, थर्ड स्लॉट में एरर था, ठीक है। नेक्स्ट देखें, इट इज बेटर टू कीप वंस हेड इन द फेस ऑफ डेंजर देन स्लैश लूजिंग वंस करेज। एक चीज बता दूं, ये वाला जो एरर है ये अच्छे अच्छों को समझ नहीं आने वाला, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि देन का जब यूज होता है तो इन्फिनिटी अगर मैंने यहाँ पे यूज की हुई है, ठीक है, तो मुझे इसके बाद भी इन्फिनिटी यूज करनी पड़ेगी, ये आपका एक रूल होता है, ठीक है, ग्रामर का। इट इज बेटर टू कीप, अब मैंने यहाँ पे इन्फिनिटी यूज की हुई है, टू कीप वंस हैड इन द फेस ऑफ डेंजर देन लूजिंग, यहाँ पे क्या है, जीरेंड यूज किया हुआ है लूजिंग, तो अगर यहाँ पे इन्फिनिटी यूज हुई है तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टू लूज, ठीक है, वंस करेज। तो एरर आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, ये आपको याद रखना है फॉर्मूला, ठीक है ना। तो एरर मेरे कौन से स्लॉट में था, थर्ड स्लॉट में था। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा और एंजॉय कर रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं 35, द शॉर्ट स्टोरी स्लैश शुड नॉट एक्सीड। यहाँ पे देखना, एक्सीड का मतलब होता है मोर देन,
स्लैश मोर देन, यानी कि मोर देन दो बार यूज करेंगे तो एग्जैजरेशन हो जाएगा, सुपरफ्लूअस हो जाएगा। या तो आप फिर अगर यहाँ पे एक्सीड यूज हुआ है तो यहाँ पे हम मोर देन का यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ पे मोर देन यानी कि थर्ड स्लॉट में आपका एरर है। और आई होप आपने एंजॉय किया होगा, आज मैंने आपको 35 एरर करा दिए हैं। नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें और भी कराऊंगा 35, तो डेफिनेटली मैं जल्दी जल्दी करवा दूंगा। और हाँ, इसके साथ साथ इम्प्रूवमेंट भी लेके चलूंगा मैं, और फिलअप भी लेके चलूंगा, ताकि आप लोगों को जल्दी कोर्स हो जाए। क्योंकि मेरे पास आपके पास कितना टाइम बचा है एग्जाम के लिए, मैं तो 55 डेज लेके चलता हूँ CGL के लिए और CHSL दोनों ही बहुत। तो डेफिनेटली हम लोग अगर इस तरह से पढ़ाई करेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, 50 out of 50 आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आपको करना क्या है, चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माई चैनल पाई कोचिंग। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।